पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का आज टेस्ट मैच का पहला दिन था और आज तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इनामुल हक भाई और मोहम्मद हफीज़ की पार्टनरशिप जमी। बहुत अच्छे से लोग इतराज़ कर रहे थे यार मोहम्मद हफीज़ टेस्ट का ओपनर नहीं है, कम से कम देखिए यहाँ के पिचेस पे वो खेल जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में और साउथ अफ्रीका तो खैर उनको मत भेजो अगर साउथ अफ्रीका से मैच हो, खासकर डेलिस चैन हो, लेकिन यूएई के लिए वो बड़े आइडियल हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस पास में भी दिखा चुके हैं। इनामुल हक ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया था और ओपनिंग पार्टनरशिप या सर स्लॉट होती है। अरे इनामुल हक साहब सेंचुरी कर लेते तो वो भी उन्हीं बैट्समैन में शामिल हो जाता है। अब देखिए पाकिस्तान के अक्सर प्लेयर जो हैं डेब्यू पे 100 भी कर देते हैं, 5 विकेट भी लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, लोग हैरान होते हैं। ऐसा नहीं, नेचुरल टैलेंट है, फिर उनकी खामियाँ गैर मुल्की टीमें पकड़ लेती हैं। अंडर 19 लेवल पर आप देखें तो एशियन टीमें हमेशा अच्छी परफॉर्म करती हैं, चाहे वो नेपाल, यूएई, हांगकॉन्ग, अफगानिस्तान ही क्यों ना। ऑस्ट्रेलिया एरा की परफॉर्मेंस अंडर 19 में अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर वो अपने प्लेयर को ग्रूम करके बहुत आगे तक ले जाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा जेलेसी हो जाती है, प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। एनी हाउ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप आज सक्सेसफुल नहीं हुई, यूएई की पिचेस भी स्लो होती हैं। अब देखना है सेकेंड डे क्या होता है। अजहर अली भी आउट हो गए, आरएस सोहेल साहब हैं, असद शफीक पे बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। अगर असद शफीक बड़ा स्कोर कर लेता है, जो कि उसको करना चाहिए, जहन में रखना चाहिए अजहर अली और असद शफीक को कि मिसबाह और यूनस खान नहीं है, जो कुछ करना है उन्हीं दोनों ने करना है। और सरफराज साहब के लिए बेहतर यही है कि वो ज़रा पिछले नंबर पे जो बैटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। वनडे 2020 में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, 2020 में ठीक है, ऊपर की बैटिंग करते हैं, ऊपर के नंबर पर अच्छी बात है। अब तो खैर हम बात इस टेस्ट मैच की कर रहे हैं। यासिर शाह के साथ शादाब खान नहीं होंगे, बिलाल आसिफ होंगे जो कि ऑफ स्पिनर है, और हफीज़ भी टेस्ट मैच के लिहाज से आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। हफीज़ की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग एक्शन उनका चूँकि क्लियर है, और जो साइड मैच हुआ था उसमें असद शफीक ने भी बहुत लंबी बॉलिंग की थी, और अजहर अली, हारिस सोहेल, ये सब आपके पास बॉलर्स के तौर पे, स्पिनर्स के तौर पे मौजूद हैं। बिलाल आसिफ है, वहाब रियाज है। अब ये है कि आप 450 प्लस में अगर स्कोर कर लेते हैं, जो कि आपके पास हैं ऐसे प्लेयर, क्योंकि बिलाल आसिफ ऑलराउंडर है, यासिर शाह भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की। पहला मैच जीत जाएंगे तो अगला भी जीत जाएंगे, होपफुल कि आप एशिया कप की शिकस्त का अजाला करेंगे। थैंक्स अलॉट।